हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आज निफ्टी इंडेक्स में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। कल रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई लेवल निफ्टी ने लगाया था और आज सस्टेन नहीं हो पाया उस लेवल पे। बुल्स ने कंट्रोल्स खो दिया और प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। तो आज के एनालिसिस करें, रिव्यू करें कल के एनालिसिस का। तो ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 15,828 अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट भी अचीव हुआ और फिर से जब बाउंस बैक आया तो फर्स्ट टारगेट के लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और लास्ट जो हाफ एन आवर बचा था उसमें भी एक गिरावट हमें देखने को मिली। तो क्या ये करेक्शन अभी और गहराएगा यहाँ से, या फिर जो वीकली चार्ट में हमने देखा है कि ट्रेंड अभी भी ज़बरदस्त बुलिश है, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई भी लगाया था कल, तो क्या ये कंटिन्यू हो पाएगी? कल क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं? वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो नए सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का। अगर आप हमारे इंट्राडे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर आपको ओपन करना है। उसके लिए क्या करना होगा, जस्ट यहाँ से आपको क्लिक करना है तो ये वेब पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आपको आपका नंबर डालना है, डिटेल्स डालना है और कंटिन्यू करना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, रेडी है तो एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। याद रखें, आपको अकाउंट यहाँ से ही ओपन करना है, इस लिंक के थ्रू ही ओपन करना है। जैसे ही ओपन हो जाएगा अकाउंट, आपको इस नंबर पे हमें कॉल करना है और आपका क्लाइंट आईडी हमें कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम चैनल में ऐड कर सके। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। उससे पहले आरबीआई का एक स्टेटमेंट आया है आज, जो इन्फ्लेशन का डेटा आया था उसके बाद आरबीआई ने यह कहा है कि इकोनॉमिक रिकवरी जब तक वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता या फिर तेज़ी से आगे नहीं बढ़ता तब तक इकोनॉमी में ये रिकवरी देखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ये अभी शाम को आरबीआई की तरफ से ये बयान आया है। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट को देख लेते हैं। डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल के पास है, ओवरबॉट जोन में, और RSI को कंपेयर करें तो RSI में डबल टॉप जैसा पैटर्न बन रहा है। डबल टॉप, ये ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न होता है, बुलिश टू बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है ये। और अगर ये नेक लाइन को ब्रेक कर देगा तो निफ्टी इंडेक्स में ऊपर में हमें प्राइस एक्शन में करेक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर करेक्शन आता है तो कहाँ पर सपोर्ट के लेवल्स हो सकते हैं? इसके लिए अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करें, ये लो और ये हाई पकड़ के, तो आप देख सकते हैं 15,660 के पास 23.6% का लेवल आ रहा है। तो हो सकता है इस लेवल के आसपास निफ्टी इंडेक्स सपोर्ट टेस्ट करे और उसके बाद जो 20 EMA है ये 38.2 के लेवल के पास आ रहा है। तो ये दो मेजर सपोर्ट लेवल्स होंगे अगर निफ्टी इंडेक्स यहाँ से करेक्शन दिखाता है तो। कल हमने परसों के दिन यहाँ पर फिबोनाची डेली चार्ट में फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, ये स्विंग हाई लो को पकड़ के। तो अभी फिलहाल यहाँ पर भी 23.6% का लेवल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पास्ट में इसने अच्छा खासा इस लेवल के पास सपोर्ट टेस्ट किया है। दो दिन पहले यहाँ से बाउंस बैक हुआ था निफ्टी इंडेक्स, तो 15,640 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये इन लेवल्स के अकॉर्डिंग अपनी ओवरनाइट पोजिशन आप यहाँ पर बना सकते हैं। निफ्टी वीकली चार्ट में ज़बरदस्त बुलिश सेटअप बना है, तो जब तक वीकली चार्ट में निफ्टी इंडेक्स 20 EMA के नीचे चला नहीं जाता तब तक ट्रेंड जो है वो बियरिश ट्रेंड है ये हम कह नहीं सकते। अभी भी बुलिश ट्रेंड बना हुआ है निफ्टी के अंदर। चलते हैं निफ्टी के 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अभी आप देख सकते हैं फर्स्ट आर के बाद ये पूरा आर्ली चार्ट में देखें तो एक कंसोलिडेशन फेज दिखाई दे रहा है, रेंज बाउंड ट्रेडिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हुआ है 60 मिनट के चार्ट में। तो कल हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा आज का लो, यानी 15,743। 50 EMA एज ए सपोर्ट काम कर सकते हैं, उसके बाद लो का लेवल जो होता है वो भी सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इन सबको क्लियरली ब्रेक होने दीजिए 15,743 को, और तभी फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 15,725 भी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,709 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर
दो बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, एक यहाँ पर, ये दूसरी बार, और आज जब ये बाउंस बैक हुआ था 5 मिनट के चार्ट में हमने देखा कि इस लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, तो हो सकता है कल भी यहाँ पर हर्डल फेस करे, तो इन लेवल्स को कम्प्लीटली ब्रेक होने दे, यानी 15818 को ब्रेक होता है निफ्टी, तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा अराउंड 15833, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 15848, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का भी ये 5 मिनट का चार्ट है, देखिए कैसे कल के लेवल्स हमारे एग्जैक्ट यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ से ही ये टूवर्ड साउथ की तरफ आया, फर्स्ट टारगेट को अचीव किया, सेकेंड टारगेट को भी यहाँ पर अचीव किया, और ऑलमोस्ट सेकेंड टारगेट के लेवल के पास ये क्लोज हुए, तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। अभी कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं इसके लिए 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी भी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस में ट्रैप हो चुका है, इसके बाहर कम्प्लीटली आने दीजिए निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स को, यानी 34891 ये हमारा होगा ब्रेकडाउन लेवल, इसके नीचे चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 34837, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 34782, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा, और ऊपर की तरफ बढ़ता है तो ऊपर में भी ये मूविंग एवरेज इसके बाहर आता है और 35102 को कम्प्लीटली ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 35155, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 35222, 35223, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स है कल के लिए, यानी 17 जून। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।